नहीं, बहुत अच्छा गठबंधन हुआ है। पिछली बार भी बीजेपी 17 सीट पे लड़ी थी, इस बार भी बीजेपी 17 सीट पे लड़ रहे हैं और हमारे 17 सिटिंग सांसद थे। और जदयू पिछली बार जो उनके 16 सांसद थे, 16 सीट ही वो लड़ रही है। और जो चिराग पासवान जी की पार्टी है उसको 5 सीट दी गई है, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा जी को दी गई है और 1 सीट जीतन राम मांझी जी की पार्टी को दी गई है। तो बेहतरीन गठबंधन हुआ है और पहले से भी हमारी जो सीटें थी वो सब सीटें जो एकाक सीट का एक्सचेंज हुआ है, आपस में बदलाव हुआ है, लेकिन ज्यादातर वही सीटें हैं जो पिछली बार लड़ी गई थी। और इस बार डबल इंजन की सरकार है और इस बार भी हम लोग 40 के 40 लोकसभा सीट कैसे जीते इसके लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में 40 की 40 सीट बिहार की डालनी है और अब की बार एनडीए 400 के पार, इस मिशन को बिहार 10% उसमें कंट्रीब्यूशन जरूर करेगा क्योंकि 40 की 40 सीट देकर जीतकर मोदी जी की झोली में डालेगा। लेकिन कुछ अभी क्लियर नहीं है, पशुपति पारस जी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है क्योंकि उनको एक भी सीटें नहीं मिली है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद आरजेडी के साथ जाए, बहुत तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं ये सब? उस बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मालूम है कि कोई भी हमसे नाराज नहीं है, बिहार की जनता हमसे राजी है। तो जब जनता राजी है तो सब राजी है। सर एक अलग सवाल जो है वो जिस तरीके की गंदी चालें चल रही है, इलेक्शन कमीशन जैसे संस्थानों का प्रयोग कर रही है, उसको इलेक्शन कमीशन को अपना पार्टी ऑफिस बना रखा है, जिस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। फ्री एंड फेयर पोल्स कैसे होंगे? हम तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव हो। देखिए, जिस तरह की भाषा टीएमसी बोल रही है, जिस तरह कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो ट्रांसफर हुए हैं उसमें यूपी, बिहार, गुजरात, कई राज्य के होम सेक्रेटरी बदले गए हैं, जो बीजेपी रूलिंग स्टेट भी है। लेकिन बंगाल के लोगों को लगता है कि बस उनके जो पसंद का ऑफिसर है वही रहना चाहिए। तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये तर्कसंगत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। इलेक्शन कमीशन पर इस तरह सवाल उठाना, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में चुनाव हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की भाषा बोलकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है टीएमसी। सर राहुल गांधी ने जिस तरीके से स्वयं भी कहा है, कैसे देखते हैं? लगातार उनके कुछ ना कुछ ऐसे बयान आ ही जाते हैं जो काफी तूल पकड़ जाता है। देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये उनको भी नहीं मालूम होता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शक्ति होता है, उनकी पूरी लाइन देखिए, और फिर उन्होंने कहा शक्ति से लड़ना है। अब वो सफाई दे रहे हैं कि हमने कुछ और कहा था, लेकिन देश के अंदर संदेश चला गया है कि ये शक्ति से लड़ना चाहते हैं और देश की जनता शक्ति को बर्बाद होने नहीं देगी।